नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्दु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि देश के गांव में विकास और विश्वास का एक नया मंत्र भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11,56,000 रेलकर्मियों को 78 दिनों के बोनस भुगतान को मंजूरी दी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त, 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान 8 अक्टूबर को। और आज महालया है, देवी दुर्गा की उपासना का अनुष्ठान, नवरात्र कल से होगा शुरू। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वामित्व योजना गांवों में अनिश्चितता को समाप्त कर लोगों की ताकत बनने जा रही है। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि स्वामित्व योजना ग्राम स्वराज की भावना को मजबूत करेगा। हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है, लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्ड से झगड़े कम होंगे और अदालतों का बोझ भी घटेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को खेती किसानी के लिए बैंकों से ऋण लेना भी आसान होगा। स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। ये अभियान है गांव को, गरीब को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने। प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता। मजबूरी में भारत के गांव के लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोगों से ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए, बैंकिंग व्यवस्था से ही वो बाहर हो गए। श्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांव में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधि से जमीन के नक्शे और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव मोहल्ले में ये जो ड्रोन उड़ रहा है वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मियों के लिए 78 दिनों के बोनस को मंजूरी प्रदान कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में बताया कि आरपीएफ और रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मियों को छोड़कर रेलवे के 11,56,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाएगा। 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को और ये नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रूपये इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी
इसका लाभ मिलने वाला है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से आज खनन विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में पता चला है कि संजय कुमार की बालू का अवैध खनन करने वाले माफिया से सांठगांठ थी। आरोपी अधिकारी ने अवैध ढंग से कमाई गई संपत्ति से कई स्थानों पर फ्लैट और दुकान खरीदे हैं। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गई जांच में खनन विभाग के अधिकारी की करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण में 83,238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 44,307 महिला उम्मीदवार जबकि 38,931 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6,942 भवनों में 10,634 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। साथ ही मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। तीसरे चरण की मतगणना 10 और 11 अक्टूबर को होगी। पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य आज समाप्त हो गया। इस चरण के तहत 38 जिलों के 58 प्रखंडों में 24 अक्टूबर को मतदान होना है। 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि उम्मीदवार 11 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया जाएगा। मतों की गिनती 26 और 27 अक्टूबर को की जाएगी। पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने योगी चौपाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्री यादव ने कहा कि पार्टी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी में नहीं है। श्री तिवारी ने हाजीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव ने छात्र जन शक्ति परिषद नाम का एक संगठन बनाया है जिससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई लेना देना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग की आउटलुक को बढ़ाकर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। आउटलुक को अपग्रेड करते हुए मूडीज ने आर्थिक सुधार के विस्तार और वित्तीय क्षेत्र के खतरे कम होने पर ध्यान आकर्षित किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि टीकाकरण के विस्तार से आने वाले समय में कोरोना वायरस संक्रमण से आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम कम हो गए हैं। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 के स्तर को पार कर जाएगा। यह मोदी सरकार के सुधारों के लिए एक बहुत बड़ी सराहना है। मूडीज ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार जारी है और सभी क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ रही है तथा व्यापक हो रही है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए लक्ष्य की घोषणा की थी। आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnewspatna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कोविड-19 ड्यूटी के दौरान बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को 50 लाख रुपए की बीमा का लाभ दिया जाएगा। सभी जिला प्रशासन को उन आंगनबाड़ी कर्मियों की पहचान करने को कहा गया है जिनकी कोविड से जुड़े कार्यों में सेवा ली जा रही है। देश में इस समय 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और 11 लाख से अधिक सहायिका काम कर रही हैं। प्रदेश में अब तक 5,91,60,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,30,16,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी गई है। वहीं देश भर में 92,52,76,000 लोगों को कोविड के टीके दिए गए हैं।
कोविड महामारी से बचाव और भीड़ भाड़ के नियंत्रण के लिए पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के स्कूलों में अब छुट्टी के बीच 10 से 15 मिनट का अंतराल रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूलों में छुट्टी 2 शिफ्ट में की जाए। प्रशासन ने यह निर्देश अभिभावकों की शिकायत पर दिया है। स्कूलों में टिफिन में भी बच्चों को 2 शिफ्ट में 15 मिनट के अंतराल पर छोड़ने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में राज्य से मॉनसून के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक चक्रवातीय परिसंचरण पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र एवं इसके आसपास समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी एवं उत्तरी हिस्सों के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी हिस्सों का मौसम शुष्क रहेंगे। आज 6 अक्टूबर 2021 को देश के पश्चिमोत्तर भाग से मानसून की वापसी आरम्भ हो चुकी है और अगले 4 से 5 दिनों में बिहार के कुछ हिस्सों से मानसून वापसी की संभावना है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभम कुमार को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि शुभम कुमार कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के रहने वाले हैं। आज महालया है। महालया पितृपक्ष की समाप्ति और दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। लोगों ने सुबह उठकर महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनने के बाद अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित किया। शक्ति की उपासना में महालया का खास महत्व है। आज के दिन साधक माँ दुर्गा के आगमन की पूर्व संध्या पर देवी दुर्गा का मंत्रोच्चारण और विधि विधान से अधिवास कराते हैं। इसके साथ ही कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। सारण जिले में मढ़ौरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 40 लाख रुपए की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूटी गई राशि में से 18 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 18,28,000 रुपए नकद और एक देशी पिस्तौल तथा लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को 5 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एटीएम संचालक और उसके कर्मचारी से 40 लाख रुपए लूट लिए थे। पुणे हवाई अड्डे पर चल रहे निर्माण कार्यों के चलते पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से 16 से 29 अक्टूबर तक पुणे के लिए विमान सेवा रद्द रहेगी। जिन यात्रियों ने इस अवधि में यात्रा के लिए टिकट बुक कराए हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे या वे यात्रा की तिथि को आगे बढ़ा सकते हैं। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए लक्ष्य की घोषणा की थी। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि देश के गांव में विकास और विश्वास का एक नया मंत्र भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर के 11,56,000 रेलकर्मियों को 78 दिनों के बोनस भुगतान को मंजूरी दी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त, 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान 8 अक्टूबर को। और आज महालया है, देवी दुर्गा की उपासना का अनुष्ठान नवरात्र कल से होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।